जहां कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर आक्रामक होकर लड़ रही है और संगठन में दिल्ली के सभी छोटे बड़े कांग्रेस के नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में दिल्ली में संगठन को नई दिशा व नई शक्ल देने की शुरुआत हुई है। उसके बाद से लगातार दिल्ली में भाजपा व आम आदमी पार्टी के नेताओं की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए होड़ लगी हुई है। इस मौके पर सुखबीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और सभी को एक समान काम करने का अवसर मिलता है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि हम दिल्ली के गली कूचों तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इसी बीच ढोल नगाड़ों के साथ आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस कमेटी दिल्ली अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत तेजी से अपने संगठन को न केवल व्यापक रूप दे रही है बल्कि भाजपा व आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों के नेता के लोग मेरे व पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के बाद पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि शामिल होने वाले सभी नेता पार्टी में बिना शर्त शामिल हो रहे हैं। नाम नहीं है ना दिल्ली के मीडिया के लिए या ना दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र के लिए, जो हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दोबारा अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को नया बल मिलेगा और मजबूती के साथ जो है हम लोग कार्य करेंगे। इसी कड़ी में मैं एसके पुरी साहब का, जो पूर्वांचल का एक बड़ा नाम है, इनिशियल डेज में जब दिल्ली के अंदर पूर्वांचल की जो मूवमेंट शुरू हुई उसमें जो है एसके पुरी जी का बहुत योगदान रहा पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली में पहचान दिलवाने में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे खुशी है कि वो भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से जो है स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे दोनों नेता जो हैं उनको शामिल करने में आप समझ सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा उसका हुआ है कि आज जयप्रकाश अग्रवाल जी, उदित राज जी, अलका जी, सब लोग हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। और मुझे हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं दीपक बावरिया साहब, उनसे भी जो है दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तो हम लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पे और इनका यहाँ आने से हमको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, लेकिन कुछ हमने एक बात को स्टडी किया, जो ये हाँ बोला और ये सब चलता है, एक नई चीज वहां दिखाई दी कि कांग्रेस का एक वर्कर और भारतीय जनता पार्टी के 1,00,000 वर्कर बराबर है। सोच में भी, कार्यशैली में भी और हमारी जो लीडरशिप में बड़ी शानदार है। राहुल गांधी जी जब कर्नाटक में यात्रा कर रहे थे तो ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का मैं फाउंडर हूँ, हम ब्राह्मणों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का बहुत तकलीफ होता है। तो राहुल गांधी जी के कार्यशैली को देखते हुए और दिल्ली के बहुत बड़े बदलाव को देखते हुए दिल्ली में दमदार लीडर दिया। मेरा तो आने का सबसे बड़ा कारण दिल्ली के अंदर एक दमदार, शानदार और जवान का पक्का एक लीडर दिया। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।